ओपनिंग YouTube। तो गाइस एंड्रॉइड टीवी के ऊपर दो वीडियोस बनाने के बाद अभी भी आप सभी लोग कह रहे हैं कि ये हमारे टीवी में वर्क नहीं कर रहा, तो इसीलिए आज का वीडियो फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप सभी लोगों को टीवी को एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना है तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगा जो कि ये वाला डिवाइस, और इस डिवाइस का नाम है एंड्रॉइड टीवी बॉक्स। तो ये आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा और अमेजोन में मिल जाएगा, दोनों साइड से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए अभी बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर अभी आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे टीवी बॉक्स यहाँ पर है। तो ये मैक्स क्यूब प्रो 5G करके एक बॉक्स है। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और बाकी के सामानों को देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी लोग एक चार्जर मिल जाता है और ये चार्जर 12 वोल्ट का है। तो गाइस इसी चार्जर से आपका पूरा सेटअप बॉक्स वर्क करने वाला है, इसमें आपका डायरेक्ट लाइन नहीं जाएगा, इसमें आपको 12 वोल्ट से चलेगा। इसके बाद गाइस इसी के साथ आपको एक HDMI का पोर्ट भी मिल जाता है जो कि इस टाइप का गाइस, और इसका क्वालिटी काफी अच्छा है। और इसका कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आप सभी लोगों को बाद में बताऊंगा। इसके बाद बॉक्स के अंदर से हमें कुछ यूजर गाइड मिले, तो इसको कैसे ऑपरेट करना है ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के ऊपर। तो इसको अभी हम अभी आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैक्स क्यूब प्रो 4K 5G करके लिखा हुआ है। तो ये 5G नहीं है गाइस, ये 4G है। इसके बाद बॉक्स के इस साइड में अभी आप सब देख सकते हैं बहुत सारे USB दिया गया है, और इस साइड का ये पोर्ट है ये मुझे पता नहीं ये क्या पोर्ट है। और यहाँ पर आप सब लोग AV का पोर्ट मिल रहा है, हेडफोन का पोर्ट मिल रहा है, HDMI का पोर्ट मिल रहा है, एथरनेट का पोर्ट मिल रहा है, और लास्ट में 5 वोल्ट पावर सप्लाई का पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर आपका चार्जर कनेक्ट होगा। तो चलिए अभी मैं इसको पावर ऑन करके दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। तो पावर देने के लिए इसके साथ जो 12 वोल्ट का चार्जर मिला है ना उसको हमको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप सभी देख सकते हैं हमने इसमें पावर दे दिया है, और यहाँ पर अभी आप सभी देख सकते हैं इसमें एक ब्लू कलर का लाइट ग्लो कर रहा है जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद गाइस मेन चीज़ का बात करते हैं। तो अगर आपके TV में HDMI पोर्ट नहीं है तो आपको ये HDMI कन्वर्टर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके TV में वर्क नहीं करेगा। अगर आपके TV में HDMI पोर्ट है तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके TV में HDMI पोर्ट नहीं है तो आपको ये लेना पड़ेगा ही। और इसके साथ आप सभी लोगों को एक USB मिल जाता है जिससे आप इसको पावर दे सकते हैं 5 वोल्ट का। तो चलिए अभी मैं आप सभी लोग बताया था इसको आपको TV में कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हमें CRT TV में ऑडियो और वीडियो पोर्ट को यहाँ पर लगा देते हैं। तो गाइस अभी आप सभी लोग देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम इन तीनों कोड को इस HDMI कन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से, देखिए। तो देखिए अभी हमने तीनों कोडों को इस HDMI कन्वर्टर में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद गाइस अभी आप सभी लोग देख सकते हैं एंड्रॉइड बॉक्स के यहाँ पर एक HDMI का पोर्ट है। तो इस HDMI पोर्ट में हम उस HDMI कन्वर्टर में जो वायर निकला था उस वाले से हम इसमें कनेक्ट करेंगे उसको। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको HDMI पोर्ट को यहाँ पर लगा दिया, और अभी हमें एक और कोड इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे HDMI कन्वर्टर में 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ USB दिया गया है। तो इस USB में हम एक USB को कनेक्ट करेंगे, और इस USB को हम उस HDMI कन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इस एंड्रॉइड बॉक्स में 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसमें चार्जर को कनेक्ट करते हैं और इसका सप्लाई ऑन करते हैं। तो देखिए हमने इस चार्जर को यहाँ पर फुल्ली तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अभी पावर को ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या डिस्प्ले आता है। तो देखिए गाइस एंड्रॉइड बॉक्स में पावर आ गया है, और यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर का लाइट ग्लो कर रहा है। तो चलिए अभी TV में पावर देते हैं। तो गाइस अभी जो हमारा TV वो ऑन हो चुका है। तो चलिए अभी इसको AV मोड में करते हैं, और ये कैमरा में ऐसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअलिटी में ये नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, और अभी आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है, यानी कि हमारा जो एंड्रॉयड बॉक्स है वो सक्सेसफुली तरीके से वर्क कर रहा है। और ये देखिए हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो चलिए अभी मैं आप सभी लोग को यूट्यूब में एक गाना प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे गाने बजते हैं। ओके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कुछ प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आप सभी लोगों को कुछ और प्रोडक्ट देखना है कि वो काम करता है कि नहीं, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस प्रोडक्ट में आप सभी लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम गाइस।